अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48। कल हमने एमसीक्यूज़ पढ़े थे एक्सरसाइज में, आज हम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का। फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट बिलो। ऑड मतलब अजीब या अनोखा। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो अजीब है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा दूसरे वर्ड्स के साथ। जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, स्वीट पोटैटो, ये तीनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, पोटैटो, ऑनियन, स्वीट पोटैटो। तो इसमें से ऑड कौन सा होगा? इसमें से ऑड होगा जिंजर। सेकंड वाला है चेरी, पीच, मैंगो, ऑरेंज। तो ये जो हैं एक जैसे इनके आ रहे हैं, तो ये इनमें से ऑड कौन सा होगा? ऑरेंज। इनमें से ऑड कौन सा होगा? ऑरेंज। उसके बाद है रॉक, वाटर, सनलाइट, एयर। तो ये मतलब एक ही साउंड में आ रहे हैं, एक ही जैसे आ रहे हैं, तो इसमें से अनोखा कौन सा लग रहा है, ऑड कौन सा है? तो वो कौन सा है? रॉक। इसमें से कौन सा ऑड है? रॉक। कैरेट, टर्निप, रेडिश, कॉलीफ्लावर, तो ये एक जैसे लग रहे हैं, मतलब एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा? ऑड होगा इसमें कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इसमें होगा ऑड। लेटस, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो, इसमें से कौन सा ऑड है? इसमें ऑड है टोमेटो। टोमेटो को सर्कल कर लें। ये ऑड हैं, ऑड बताने हैं, ये लिस्ट जो नीचे है इसमें बताने हैं कौन से ऑड हैं। तो फर्स्ट में है जिंजर, सेकंड वाले में है ऑरेंज, थर्ड वाले में है रॉक, फोर्थ वाले में है कॉलीफ्लावर, और फाइव वाले में है टोमेटो। उसके बाद है कॉलम मैच। कॉलम मैच आप लोगों ने करने हैं। कॉलम्स जो हैं वो देखें, टोमेटो है फर्स्ट पे। फर्स्ट पे क्या है? टोमेटो। तो टोमेटो पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, टोमेटो क्या है? टोमेटो जो है वो एक फ्रूट है, तो इसे किसके साथ आप लोगों ने मैच करना है? फ्रूट के साथ। टोमेटो को मैच किसके साथ कर लेना है? फ्रूट के साथ मैच कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद कैरेट है, तो कैरेट आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, कैरेट क्या है? कैरेट जो है वो एक रूट है। कैरेट क्या है? कैरेट एक रूट है, तो इसको आप लोगों ने मैच कर लेना है। कैरेट को किसके साथ मैच करना है? कैरेट को, कैरेट को रूट के साथ मैच करना है। कैरेट क्या है? कैरेट एक रूट है। पी क्या है? पी के बारे में पीछे आपने पढ़ा था कि पी जो हैं वो सीड हैं, तो पी को मैच कर लेना है सीड के साथ। पी को किसके साथ मैच करना है? सीड के साथ। लेटस जो है, लेटस क्या है? लीफ बर्ड है। लेटस पढ़ा था हमने, क्या है लेटस? लीफ बर्ड। तो लेटस को मैच कर लेना है किसके साथ? लीफ बर्ड के साथ। लेटस को किसके साथ मैच करना है? लीफ बर्ड के साथ। मैच कर लें आप लोग भी लेटस को लीफ बर्ड के साथ। कॉलीफ्लावर है आगे। कॉलीफ्लावर क्या है? ये है फ्लावर बर्ड, तो इसको किसके साथ मैच करना है? फ्लावर बर्ड के साथ। दोबारा से देख लें, टोमेटो क्या है? टोमेटो फ्रूट है, टोमेटो को फ्रूट के साथ मैच करना है। कैरेट है, कैरेट क्या है? कैरेट रूट है, कैरेट को रूट के साथ मैच करना है। पी क्या है? पी सीड है, पी को सीड के साथ मैच करना है। लेटस को करना है मैच आप लोगों ने लीफ बर्ड के साथ, और कॉलीफ्लावर को मैच करना है फ्लावर बर्ड के साथ। उसके बाद पेज नंबर 49 पे आ जाएं। पेज नंबर 49 पे ये लाइफ साइकिल, जो प्लांट का लाइफ साइकिल है, इसके स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं आगे पीछे करके। ये जो स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं ना, ये आगे पीछे करके दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने बताना है कि करेक्ट इनकी सीक्वेंस क्या बनेगी इन स्टेप्स की। फर्स्ट वाला कौन सा होगा, सेकेंड वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला कौन सा होगा? तो पहले हम सारे पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि फर्स्ट वाला स्टेप कौन सा है, सेकेंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है। द प्लांट फ्लावर्स, द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, द प्लांट ग्रोज, अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, द सीड जर्मिनेट्स। तो सबसे पहला हमने जो स्टेप पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सीड जर्मिनेट करता है। तो ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा? ये फर्स्ट वाला स्टेप हो गया हमारा।
सबसे पहले सीड जर्मिनेट करता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सीड जो है वो जर्मिनेट करता है तो उसकी जर्मिनेशन से प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, सीड से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, द प्लांट ग्रोस। तो ये हमारा कौन सा हो गया स्टेप, ये सेकंड वाला स्टेप हो गया, द प्लांट ग्रोस, पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है तो फिर फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं, द प्लांट फ्लावर्स। तो ये हमारा कौन सा स्टेप है, ये हमारा थर्ड वाला स्टेप है, द प्लांट फ्लावर्स, पौधा जो है वो फ्लावर बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर जो है, फ्लावर से फिर आगे फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, फ्लावर से फिर आगे फूल जो है वो फल बनाना शुरू कर देता है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था 5 वाले स्टेप में कि फ्रूट जब बन जाता है तो फ्रूट जो है वो अपने जो सीड्स हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है, फ्रूट अपने सीड जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ पे है, द फ्रूट रिलीज़ सीड्स, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 5। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब सीड रिलीज़ हो जाते हैं तो वही सीड फिर जब सॉइल में किसी दूसरी जगह पे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर दोबारा से पौधे का जो है वो एक लाइफ साइकिल, नया लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, अ न्यू लाइफ साइकिल बिगन्स, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 6। ऐसे आप लोगों ने स्टेप्स जो हैं वो उनको नंबर वाइज अरेंज कर लेना है, तरतीब दे लेनी है उनको सीक्वेंस के साथ, ऐसे उनकी नंबरिंग राइट कर लेनी है। ये करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, कॉलम मैच करने हैं, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 48 एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 48 पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद पेज नंबर 49, ये 49 पेज है, इस पे क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने लर्न करना है। और ये जो कॉलम्स हैं ये आप लोगों ने होमवर्क पे राइट कर लेने हैं, डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 48 एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 4 लर्न, प्लस कॉलम्स राइट।